आज मैं आप लोग को बताऊंगी इम्प्लांटेशन क्या होता है, ये पूरा प्रोसेस क्या है, कैसे होता है, ये मैं आज आप लोग को ये वीडियो में बताने जा रही हूँ। जैसे कि आप लोग को पता है हर महीना ओपरी में 8 से लेकर 10 अंडे बनते हैं, उसमें से ही केवल एक ही अंडा या दो अंडा मैच्योर होता है। मैच्योर होने का बाद वो रप्चर होता है, जिसे हम ओव्यूलेशन प्रक्रिया कहते हैं। वो ओव्यूलेशन होने का बाद फॉलोपियन ट्यूब में आता है। फॉलोपियन ट्यूब में 24 से लेकर 48 घंटा तक वो जिंदा रहता है। अगर उस टाइम आप लोग रिलेशन रखते हो तो स्पर्म आके वहाँ पे फर्टिलाइज होता है और वो बेबी बनता है, मतलब वो एम्ब्रो में कन्वर्ट होता है। कन्वर्ट होने के बाद धीरे धीरे वो फॉलोपियन ट्यूब से खिसक के गर्भाशय में, गर्भाशय का एक परत होता है वहाँ पे आके चिपक जाता है, और ये प्रक्रिया को इम्प्लांटेशन कहते हैं। अगर आपका एंड्रोमेटिकल थिकनेस ठीक नहीं रहता है तो उसके वजह से वो इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं होता है, मतलब आपका फिर पीरियड्स हो जाता है।